नमस्कार, इनविजन के तमाम दर्शकों का मैं रत्नाकर स्वागत करता हूं यूट्यूबर स्पेशल में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल को, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये कहावत, ये शायरी आपने हमेशा सुनी होगी, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि हमें अगर कुछ बनना है तो शुरुआत तो अपने से करनी पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। लोगों को जोड़ने की कला हम सब में नहीं होती, ये एक शिक्षा है। इसके लिए एक जज्बा होता है, और जब ये जज्बा हमारे में होता है और इस जज्बे को हम प्रैक्टिकल स्वरूप देते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। नागपुर में ऐसे कलाकारों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही कलाकार जिनके नाम में ही विक्रम है, विक्रमादित्य जी का मैं इस यूट्यूबर स्पेशल में स्वागत करता हूँ। विक्रमादित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके चैनल और आपका जो एक सब्सक्रिप्शन का एक ग्राउंड जो है वो अपने आप में मिसाल कायम करता है। कैसे रहा आपका ये जर्नी, क्या सोच आपको यहाँ तक लेके आई? सर, ऐसा था कि जब मैंने पहले यूट्यूब देखता था तो वैसे तो मैंने चैनल शुरू किया था 2009 में जी, और उस टाइम जो है मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज के वीडियोस वगैरह, दोस्तों के वीडियोस एडिटिंग वगैरह करके मैं डालता था। और कॉलेज की तरफ से भी मुझे बोला गया जाता था कि जब फेयरवेल वगैरह रहता था तो मतलब एक फेयरवेल का वीडियो सबका मिला के डालो, तो उस हिसाब से मैंने चैनल शुरू किया था जी। बट वो सिर्फ हॉबी थी मेरी। और फिर मैंने बीच में जब फिर मुझे जब जॉब मिला, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर किए मैंने, उसके बाद एक गवर्नमेंट सर्विस में गया मैं, तो उस जॉब करते करते फिर मुझे वक्त मिला नहीं, कॉलेज लाइफ से एकदम से दूर हो गए जी। तो उसके बाद एक 2016 में जब मैं वहाँ पे अकेला रहता था, मतलब मेरी फैमिली इधर रहती थी जी, और उधर मतलब मैं जब अकेला रहा तब मैंने सोचा, यूट्यूब देखता था तब मैंने सोचा, एक यूट्यूबर है केसी नाइस्टैट करके जी, तो बहुत बड़े यूट्यूबर है वो जी, मतलब उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, तो जी, उनको देखा मैंने, उनसे इंस्पायर हुआ मैं। मैंने सोचा कि क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास कौन सा एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जिसकी जो मैं यूट्यूब पर शो करूँगा और लोग मुझे देखेंगे। तो तब डिसाइड किया था मैंने कि एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा और उस पर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस है, क्योंकि मैं बैंकिंग में जॉब करता हूँ, आई एम अ बैंकर, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोगों को कैसे बैंक में आना पड़ता है, बैंक में आने के बाद भी उन्हें वो चीज़ समझ नहीं पाते वो जी, आसान शब्दों में, इसलिए मैंने वो चैनल क्रिएट किया। उसके लिए उसमें मैंने वीडियोस डाले और लोगों ने पसंद किया, और तब से ऐसा है कि पिछले 4-4.5 साल हो गए तब से मेरा चैनल शुरू है, तो ग्रोथ। दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे आपके चैनल के बारे में, उसके बारे में भी बताइए। और मैं दर्शकों को इससे पहले कि विक्रमादित्य बताएं कि ये भी बहुत अहम जानकारी इस वक्त आदि विक्रमादित्य जी शेयर कर रहे हैं। आप और हमें कई बार बैंक में जाना पड़ता है और रोजमर्रा की जरूरतों को वहां पर समझ की बहुत जरूरत होती है, और विक्रमादित्य जी के जो वीडियो वो हमें दर्शाते हैं कि कितनी आसानी से आप अपने आप की मदद कर सकते हैं जी। विक्रमादित्य, तो बेसिकली मेरा चैनल पूरी तरह से बैंकिंग से रिलेटेड है। आप अगर देखना चाहते हैं तो बैंकिंग 101 टिप्स करके यूट्यूब पर है चैनल मेरा जी, जिसमें आपको छोटी से छोटी चीज़, मतलब जो आप बैंक में जाते हो विड्रॉल फॉर्म भरते हो, वो फॉर्म कैसे भरना चाहिए, उसमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जब आपको चेक भरना है, जब आपको RTGS करना है, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी बैंकिंग से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। तो ये सभी बैंकिंग जो सर्विसेज है उसके लिए स्पेशली चैनल है मेरा बैंकिंग 101 टिप्स करके। और जो मेरा पर्सनल चैनल है विक्रमादित्य नाम से, वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था तो मुझे नागपुर से कोई भी यूट्यूबर्स दिखते नहीं थे, नागपुर के कोई वीडियो दिखते नहीं थे, तो एक थोड़ा सा बुरा लगता था, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज से, जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और वो अपने शहर को दिखाते हैं और लोग देखते भी हैं, बट यार हम नागपुर में रह के हमारा यहाँ से कोई भी नहीं है यूट्यूबर, और हमारे इतने अच्छे शहर को कोई देख, मतलब कैसे देखेंगे लोग, जितना वो देखते हैं न्यूज़ में ये क्राइम हुआ वो क्राइम हुआ, बस इतना ही उन्हें पता चलता है, तो उनकी एक गलत धारणा बन जाती है हमारे सिटी के बारे में, अपने शहर का एक सही पहलू भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये एक लोगों तक पहुंचना चाहिए, अपनी जो ब्यूटी है नागपुर की जी, बिल्कुल, वो भी उन्हें देखनी चाहिए। इस ये सोच के मैंने मेरा जो चैनल है विक्रमादित्य, उसमें मैंने नागपुर के रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह डालना शुरू किया और ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह भी डालता हूँ मैं उसमें। तो ये दो चैनल है मेरे जिसके जरिए मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ और लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट में ये करते हैं, तो अच्छा लगता है। विक्रमादित्य जी, क्या टेक्निकल चीज़ें का जो इंक्लूजन है एक यूट्यूबर के लिए ज़रूरी होता है?
टेक्निकली आपको तो सर ऐसा है कि कंप्यूटर्स में अच्छा होना पड़ेगा। जी अगर आप वीडियो एडिट कर सकते हो तो आप यूट्यूबर बन सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फिल्म मेकिंग वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जी वीडियोस को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हो। और सबसे मेन बात तो ये होती है कि इक्विपमेंट्स ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं अभी तक के, मेरे 250 के ऊपर वीडियोज़ थे, मैंने जी सभी के सभी वीडियोज़ मेरे स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन से शूट करके बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब ये होता है कि मोबाइल फ़ोन से जब आप यूज़ करते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, है ना। आपको ज़्यादा कुछ उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सब संभाल लेता है। जी बस आपके पास जो कंटेंट है आपका वो इफेक्टिव होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो वीडियो देखने वाला है क्या उसे इसकी ज़रूरत है, मैं जो बता रहा हूँ उसकी, और अगर उसे ज़रूरत है तो वो खुद भी देखेगा और वो लोगों तक भी पहुँचाएगा। आपके और मेरी जो एज है उसमें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होगा। आप माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं और मैं बुढ़ापे की कगार पे हूँ। अरे नहीं सर, तो क्या यूट्यूब के लिए कोई ऐसा एज का कोई मायना है? देखिए यूट्यूब पर कोई भी अगर आप वीडियो डालते हो जी तो जो देखने वाला ऑडियंस है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप कितने अच्छे दिखते हो कितने बुरे दिखते हो। जी अगर उसे वो देखना है तो वो मूवीज़ देखेगा। करेक्ट तो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम अलग है, इंडिया में तो बहुत ही अलग है, क्योंकि ज़रूरत के जब ज़रूरत होती है, कोई भी ट्यूटोरियल होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, तो जो व्यूअर है वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए आता है, उस वो प्रॉपर नॉलेज उसका लेना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि नॉलेज देने वाला कैसा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कैसे दिखते हैं या फिर क्या है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर अच्छा है, अगर उसे समझ में आ रहा है, तो हम ग्रोथ कर सकते हैं। आप बैंकर भी हैं यूट्यूबर भी हैं, जी तो इन दोनों को मैनेज करते करते कहीं कोई आपको स्ट्रेस आता है या आप इन दोनों चीज़ों को एंजॉय करते हैं? बैंकर होना ये तो मैंने क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें मैं जॉब लगा है उस वजह से मैं बैंकर हुआ हूँ। बट वीडियोस बनाना ये मेरा पहले से हॉबी था। जी जब कॉलेज टाइम में भी मैं था उस टाइम पे भी वीडियोस बना था, एडिटिंग वगैरह करना ये मुझे पहले से पसंद था। तो एक जॉब अच्छा मिला मुझे जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो उपजीविका है, जो घर, जी उसी वजह से चलता है। और यूट्यूब एक ऐसी हॉबी है मुझे जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फुल टाइम जॉब कुछ अलग है जिससे मेरा घर चलता है। बट यूट्यूब में मुझे खुशी मिलती है, वीडियो एडिट करता हूँ, लोग देखते हैं, और मतलब पहचान हो रही है, पहचान बन जी रही है मेरी, एक आपको एक ये मिल रहा है, एक सोर्स मिल रहा है सोर्स लोगों मिल तक गया। पहुंचने का, हाँ एक जरिया हाँ है जिससे लोगों को भी एक आपकी पहचान भी बन एक चुकी है। पहचान बन रही है। और एक एक अच्छी बात ये भी लगती है कि इस वीडियोस के जरिए अपने शहर का नाम भी हो रहा है, तो जी ये मुझे अच्छा लगता है कि नागपुर से ये यूट्यूबर है जो अपने नागपुर के वीडियोस बनाता है, तो नागपुर के लोग देखते भी है कभी पे, और कभी एक दो बार हुआ भी है मुझे जी जी सिग्नल पे मिले, उन्होंने पूछा भी कि सर आप वीडियोस बनाते हो, तो अच्छा लगता है जब उस वक्त की फीलिंग मैं बिल्कुल समझ सकता वो हूँ कि बहुत अलग, कितने बहुत अच्छी और बिल्कुल। अलग ही फीलिंग होती है वो। अगर युवा पीढ़ी में से कुछ बंदे ये सोचे कि हमें फुल टाइम करियर ही यूट्यूब ट्यूबर बन के करना है, तो आपका जवाब हाँ रहेगा या ना? मैं कहूँगा कि आप अगर फुल टाइम यूट्यूब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, जी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। जी बड़ी बड़े मतलब जो हाउसेस है, मतलब जो फिल्म हाउसेस है, उनके चैनल्स इतने होते हैं, उनकी प्रमोशनल टीम इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतना ज़्यादा बजट होता है उनका। तो अगर आप सोचते हो कि आप अकेले इतने लोगों से कॉम्पीट करके जीत सकते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा आज के डेट में पॉसिबल है। 10 साल पहले शायद पॉसिबल था, क्योंकि तब यूट्यूब पर इतना क्राउड नहीं था। आज आप देखोगे तो हर हर प्रोडक्शन हाउस, हर बड़े बड़े लोग इस फील्ड में है। तो लोग ऑब्वियसली बात है, जब कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देखने को जाएगा तो जो वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा वो देखेगा। आप अगर सिर्फ कैमरा के सामने बोलोगे और आप सोचोगे कि लोग मेरे वीडियोस देखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि फुल टाइम नहीं, इसे आप पार्ट टाइम शुरू कीजिए। आप अपनी जिस चीज़ से आपका घर चल सकता है, जिस चीज़ से आप पैसे कमा सकते हैं, पहले उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। यूट्यूब एक ही करियर नहीं है दुनिया में, बहुत सारे करियर्स हैं। जी बट अगर आपकी हॉबी है, आप यूट्यूब करना चाहते हो, तो आप अपनी हॉबी को कभी शौकिया मत तौर पर भूलिए। तो आपने शौक जरूर है, इसको बिल्कुल, ज़रूर आपने ज़रूर करना जो चाहिए। आर्ट है उसको अगर आपके आपने, पास आर्ट है, आप आर्टिस्ट हो, आपके पास कला है, आप दुनिया को दिखा सकते हो, तो बिल्कुल आपने दिखाना चाहिए। लोगों को अगर आपको लगता है आप लोग पसंद करेंगे आपको, तो ज़रूर, मैं तो कहूँगा कि
जरूर वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए। चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आने वाले समय में आप और क्या हमारे दर्शकों के लिए क्या प्लानिंग करके रखी है आपने? आने वाले समय में फिलहाल तो जो समय चल रहा है लॉकडाउन का है, जिसमें हम वैसे भी बाहर जा नहीं सकते, तो ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह मैं फिलहाल तो बना नहीं रहा हूँ। बट मैंने सोचा है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो नागपुर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबसे कोलैब करेंगे, क्योंकि उनका ग्रुप भी मैंने बनाया जी, एक है। संगठन का होना, संगठन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले हम कुछ जीत नहीं सकते। जब तक हमारे पास संगठन नहीं है, 10 लोग मिलकर आएंगे नहीं, तो मतलब उस हिसाब से मैंने सोचा। मैंने पहले कहा था कि मैं अकेला ही चला था, आप एक कारवा लेके चलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ में थे विक्रमादित्य जी, जो कि यूट्यूबर है और बहुत ही इनका नाम है, और इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सहायता करने की कोशिश की कि किस तरह से बैंकिंग ऑपरेशंस में, वो आप यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्विसेज आप ले सकते हैं। कोरोना का काल है, लॉकडाउन चल रहा है, इस माध्यम से हम आपसे अपील भी करेंगे, अनुरोध भी करेंगे कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रहें। हम फिर से एक बार हमारे आज के मेहमान यूट्यूबर स्पेशलिस्ट विक्रमादित्य जी का अनुमोदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे दर्शक के साथ में अपने विचार साझा किए, जानकारी। धन्यवाद।